this is an uncertain turbulent unpredictable world you need a safe and experienced set of hands on the tiller of the ship that is india that is the way we will sail through this we are very confident because you know we know the people of india today uh, have uh, as we saw during COVID, as we have seen in other chapter is iran or israel बड़े नाजक मोड़ पे है अगर इससे यहां से एस्केलेट करते हैं, एक भी गलत मिसाइल जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा सकता है खंजर की तरह लगी कि इसराइल की टोटल आबादी है पचासी लाख के करीब पचासी लाख और पचासी लाख क्या है दुनिया की टोटल आबादी के एक फीसद का दसवां हिस्सा और वो कर क्या रहे हैं न में आ रहा होगा अचानक से ये अटैक क्यों किया बहुत से पाकिस्तानियों को ये बताया गया है या फिर वो खुद ही ये डिलूजन पाल कर बैठ गए हैं कि फ़लस्तीन में जो इसराइल की तरफ से अट्रॉसिटीज़ की जा रही हैं दरअसल उसका बदला लेने के लिए ईरान को अब होश आ गई है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दिस इज़ जस्ट अ डलूजन एज ऑल पता है कि भाई अब जो है ना ये भारत से फ़ायदा ही होगा नुकसान नहीं होगा और ये एक जो है नरेंद्र मोदी को कहना नहीं पड़ेगा अगर उन्होंने कह दिया या सोच लिया ना तो डेविड स्लिंग एक डिफेंस सिस्टम है उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है एरो डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका का बना उसको है उसको इस्तेमाल किया गया है ये दो महीने पहले यही पाकिस्तानी ईरान के अगेंस्ट जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स की थी चूंकि उससे पहले जैशल अदल के टारगेट्स पर ईरान ने हमला किया उसको सेलिब्रेट कर रहे थे लोग कह रहे थे कि हमसे पंगा ना लें वरना नेतो नाबूद कर देंगे तबाह कर देंगे हमने तो बजट भी सारा जंगी सामान पे लगा दिया इसलिए लड़ना नहीं चाहिए हमसे वो कह रहा है कि आपके बैंक अकाउंट्स की साइबर सिक्योरिटी में इसराइल वर्ल्ड लीडर है जिनको ये बात समझ आ जाएगी छोटे बच्चों को नहीं आएगी जो जिनका वही शरा खानगी का मैंने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामना पाकिस्तानियों को भी काफी हैरत का शिकार कर रही है वो ये है कि जॉर्डन की तरफ से अपनी टेरिटरी से जो मिसाइल फायर किए गए थे ईरान की तरफ से उनको स्ट्राइक डाउन किया गया है ये सारे आर्मामेंट्स जो इस्तेमाल किए इसराइल ने बहुत महंगे हैं तकरीबन 50,000 से एक एक लाख का मिसाइल जो है वो ड्यूरिंग उसमें आयरन डोम में इस्तेमाल होता है जब वो इंटरसेप्ट करता है तो टेक कंपनीज हैं जो दुनिया को ड्राइव कर रही हैं दे आर ओन्ड बाय देम इधर क्या है अंडर इन कर लो ओवर इन कर लो एस चेंज कर दो ये शुगर में वीट में सब्सिडीज खा लो ये सब्सिडीज नहीं ये मुल्क को खाने वाली बात है उधर क्या है पांच सौ टेक कंपनी हंजर की तरह लगी कि इसराइल की टोटल आबादी है पचासी लाख के करीब पचासी लाख और पचासी लाख क्या है दुनिया की टोटल आबादी के एक फीसद का दसवां हिस्सा और वो कर क्या रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर का लेक्चर है वो टहल टहल के बात कर रहा है और उसके एक एक जुमले में क्लैप, पे क्लैप आ रही है और वो सच्ची आ रही है ये नहीं कि हमारा तो जवाब ही नहीं पल्ले कुछ नहीं लेकिन हमारा जवाब ही नहीं ये नहीं वो फैक्ट्स बयान कर रहा है और लोग क्लैप कर रहे हैं वो क्या कह रहा है चंद बातें वो कह रहा है कि आपके बैंक अकाउंट्स की साइबर सिक्योरिटी में इसराइल वर्ल्ड लीडर है जिनको ये बात समझ आ जाएगी छोटे बच्चों को नहीं आएगी जो जिनका वही का मैंने रोना रोया है कि आपके बैंक अकाउंट्स की साइबर सिक्योरिटी में इसराइल नंबर वन है वर्ल्ड लीडर है और साइबर सिक्योरिटी की मद में ग्लोबल प्राइवेट साइबर इन्वेस्टमेंट के 20 फीसद हिस्सेदार है यह मुल्क यानी अपने साइज से दो सौ गुना ज्यादा टू हंड्रेड टाइम्स मोर स्मार्ट व्हीकल्स में इसराइल नंबर वन है वर्ल्ड लीडर है पांच सौ टेक कंपनीज हैं जो दुनिया को ड्राइव कर रही हैं दे आर ओन्ड बाय देम इधर क्या है अंडर एनवाइसिंग कर लो ओवर एनवाइसिंग कर लो एस चेंज कर दो ये शुगर में व्हीट में सब्सिडीज खा लो ये सब्सिडीज नहीं ये मुल्क को खाने वाली बात है उधर क्या है पांच सौ कुछ मिसाइल जैसे थे जिन्होंने क्रॉस किया आयरन डोम को और बताया गया कि नेवाटे निवाटेम एयरबेस जो इसराइल में मौजूद है वहाँ कुछ नुकसान पहुँचा लेकिन कोई कैजुअल्टी रिपोर्ट नहीं हुई आपके आपकेहन में आ रहा होगा अचानक से ये अटैक क्यों किया बहुत से पाकिस्तानियों को ये बताया गया है या फिर वो ख़ुद ही ये डिलूजन पाल कर बैठ गए हैं कि फ़लस्तीन में जो इसराइल की तरफ से अट्रॉसिटीज़ की जा रही हैं दरअसल उसका बदला लेने के लिए ईरान को अब होश आ गई है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दिस इज़ जस्ट अ डिलूजन एज ऑलवेज़ और उसकी वजह यह है कि ईरान ने सिर्फ अपनी टेरिटरी पर अटैक का बदला लिया है उनकी टेरिटरी पर अटैक कैसे हो गया वो ऐसे हुआ कि डोमेस्कस में जो एम्बसी थी ईरान की फ़र्स्ट अप्रैल को इसराइल ने उसको टारगेट किया वहाँ पर सात कैजुअल्टीज रिपोर्ट हुई और आईआरजीसी के लोग जो कि ईरान के, के रेवोलूशनरी गार्ड्स हैं जो फोर्स हैं उनकी उसके लोग वहाँ पर मौजूद थे इसमें बहुत एक प्रोमिनंट जो उनके कमांडर थे ब्रिगेडियर जनरल रज़ा जाहिदी उनकी कैजुअल्टी भी रिपोर्ट की गई तो इसका बदला लेने के लिए ईरान ने यह फैसला किया कि अब बहुत हो चुका है क्योंकि पहले इसराइली पॉलिसी यह थी कि जो प्रॉक्सीज थी ईरान की उनको टारगेट किया करते सिर्फ और सिर्फ ईरान और इसराइल के ऊपर है कि ये आगे कहां जाते हैं बड़े नाजक मोड़ पे हैं अगर इससे यहां से एस्केलेट करते हैं एक भी गलत मिसाइल जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा सकता है रशिया चाइना अलायंस है इस वक्त जो सबसे बड़ा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए खतरा है कि रशिया चाइना अलायंस चाइना की स्टेटमेंट ये आई है कि अगर रशिया इसके, रशिया इसके के ऊपर अटैक किया गया या रशिया को कहीं हो तो सपोर्ट दूसरा चाइना हमेशा सोच कर देता है स्टेटमेंट इसमें क्योंकि वो कभी भी अपने ट्रेड को खराब नहीं करना चाहते दूसरा उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो सीरिया तक पहुंच चुका है तो जाहिर है वो उसमें भी ज्यादा जंप नहीं करना चाहते अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि इस सारे सिलसिले में नाइनटी नाइन परसेंट जो एक और बड़ी बात जो इसमें लोगों ने वॉशिंगटन डीसी के अंदर डिस्कस की जा रही थी कि जो आयरन डोम है इसराइल का बड़ा महंगा है उसको इस्तेमाल करना उसके बाद उन्होंने डेविड स्लिंग एक डिफेंस सिस्टम है उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है एरो डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका का बना है उसको इस्तेमाल किया गया है लेकिन सबसे ज्यादा जितने भी ये सारे आर्मा जो इस्तेमाल किए इसराइल ने बहुत महंगे हैं तकरीबन पचास हजार से एक एक लाख का मिसाइल जो है वो ड्यूरिंग उसमें आयरन डोम में इस्तेमाल होता है जब वो इंटरसेप्ट करता है वर्सेस ने जो टेक्नोलॉजी यूज की ज्यादातर ड्रोन में जो कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी की रिवर्, रिवर्स टेक्नोलॉजी से बनाई गई है वो तकरीबन सुना है बहुत सस्ती है पांच से हजार स, एक हजार डॉलर या पंद्रह तक वो बनता है तो आ, ये सारी सूरत हाल है आप देखें इसमें दुनिया किस रुख जाती है आज आ, अमेरिका की तरफ से आ, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आर्मी जनरल वहां पहुंच चुके हैं और जो पाकिस्तान पे रिएक्शन आएगा अगर यहां से एस्केलेशन जाती है पेट्रोल